हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं मार्वल कॉमिक्स के एक सुपर हीरो कैरेक्टर पर आधारित फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है मॉर्बियस। फिल्म कोस्टा रिको में शुरू होती है जहां साइंटिस्ट्स की एक टीम एक गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचती है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस टीम को गुफा के एंट्रेंस पर एक पिंजरा सेट करने को कहता है। फिर माइकल मॉर्बियस आगे बढ़ता है और अपनी हथेली काट देता है ताकि गुफा के अंदर चमगादड़ों को लुभा सके, जिसके कारण मॉर्बियस के खून की गंध सूंघकर चमगादड़ों का झुंड बाहर की तरफ उड़ने लगता है। टीम के बाकी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ पीछे हट जाते हैं लेकिन मॉर्बियस वहीं खड़ा रहता है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और कहानी चली जाती है 25 साल पहले फ्लैशबैक में, जहां ग्रीस में यंग माइकल मॉर्बियस दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर एमिल निकोलस लूसियन का परिचय माइकल मॉर्बियस से करवाते हैं। उन दोनों को एक रेयर ब्लड डिजीज है और डॉक्टर उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। वे पहली बार बात करते हैं। मॉर्बियस तुरंत उनको माइलो के नाम से बुलाता है क्योंकि ये लूसियन से पहले वाले बच्चे का नाम था। थोड़ी देर बात करने के बाद माइलो की मशीन अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मॉर्बियस अपने पेन की स्प्रिंग से मशीन को ठीक करता है और माइलो को होश आ जाता है। डॉक्टर निकोलस मॉर्बियस की होशियारी से खुश होता है और उसे न्यूयॉर्क के एक स्पेशल स्कूल में पढ़ने भेज देता है, लेकिन माइलो वहीं रह जाता है। फिर एडल्ट मॉर्बियस को दिखाया जाता है जो 19 साल की उम्र में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने में सफल होता है। उसे ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी का इलाज खोजने और आर्टिफिशियल ब्लड इन्वेंट करने के लिए उसे स्वीडन में नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन वो उस प्राइज को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। मॉर्बियस काम पर वापस जाता है जहां वो एना का इलाज कर रहा होता है। एना को भी सेम रेयर ब्लड डिजीज है जो मॉर्बियस को है। अस्पताल में मॉर्बियस अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर मार्टिन बैंक्रॉफ्ट के साथ काम करता है, जिसे पता चल गया है कि मॉर्बियस गुफा से बैट्स को ले आया है जिन्हें उसने अपनी लैबोरेटरी में रखा हुआ है। मॉर्बियस कहता है कि वो बैट्स को इसलिए लाया है ताकि उनके बारे में रिसर्च कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि इन बैट्स से उसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड को लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉर्बियस अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसी समय अपने सीरम को एक लैब रैट के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन चूहा मर जाता है। उसी समय एना, जो मॉर्बियस की पेशेंट है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मॉर्बियस और उसकी गर्लफ्रेंड एना के कमरे की ओर भागते हैं। इससे पहले कि उसे स्ट्रोक आए, उसको कोमा में डाल देते हैं जिससे एना बच जाती है। थोड़ी देर बाद मार्टिन लैबोरेटरी की तरफ देखती है तो पता चलता है कि चूहे ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। उन दोनों को पता चल जाता है कि सीरम काम कर रहा है। मॉर्बियस माइलो और डॉक्टर निकोलस से मिलता है और उन्हें अपनी कामयाबी के बारे में बताता है। मॉर्बियस और माइलो दोनों पार्क में जाते हैं जहां मॉर्बियस माइलो से और पैसे मांगता है ताकि वो एक शिप ले सके और अपना एक्सपेरिमेंट देश के बाहर समंदर में जाकर कर सके, क्योंकि यहाँ इस तरह के एक्सपेरिमेंट लीगल नहीं है। वो माइलो को बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और मॉर्बियस को ये एक्सपेरिमेंट जल्दी करना होगा इससे पहले कि उन दोनों को देर हो जाए। अगले सीन में एक शिप समुद्र में दिखाई पड़ती है। वहाँ मॉर्बियस की हेल्प करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड मार्टिन भी मौजूद है। ये पक्का करने के बाद कि सीरम हार्मलेस है, मॉर्बियस खुद पर सीरम टेस्ट करने का फैसला करता है। मार्टिन सीरम को मॉर्बियस में इंजेक्ट करती है और उसे चेयर पर बांध देती है। क्रू का एक मेंबर लैबोरेटरी में जाता है और देखता है कि मॉर्बियस चेयर पर नहीं है। फिर वो रूम में जाते हैं और मॉर्बियस को छत पर रेंगते हुए पाते हैं। वो आदमी उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन मॉर्बियस पलटकर तेजी से उन पर हमला कर देता है। शिप के बाकी सोल्जर्स भी लैब में आ जाते हैं। उनमें से एक मार्टिन को नीचे गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मॉर्बियस एक वैम्पायर जैसे मॉन्स्टर में बदल जाता है और कांच तोड़कर सभी सोल्जर्स को मार देता है। मॉर्बियस लैब से भाग जाता है और बाकी बचे हुए लोगों को भी मार देता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद जब मॉर्बियस को होश आता है तो वो फिर से इंसान बन जाता है। मॉर्बियस देखता है कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है और वो ज्यादा ताकतवर बन गया है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसने कैसे लोगों पर हमला किया और उनका कैसे खून पिया। मॉर्बियस एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है और अपने साथ कुछ सीरम लेकर समंदर में कूद जाता है। अगले दिन एफबीआई एजेंट साइमन स्ट्राउड और रॉड्रिग्स शिप पर जांच के लिए आते हैं। वे मार्टिन को अभी भी जीवित पाते हैं। मॉर्बियस ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी है। इसी बीच निकोलस और माइलो को टीवी न्यूज से इस एक्सीडेंट का पता चलता है।
मॉर्बियस अपने हॉस्पिटल लौटता है और तुरंत अपनी लैब में जाता है, जहां वो आर्टिफिशियल ब्लड को पीता है जिसको उसने इन्वेंट किया था। आर्टिफिशियल ब्लड पीकर मॉर्बियस अपनी प्यास बुझाता है। मॉर्बियस, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, अब उसके पास सुपर स्पीड और ताकत है। मॉर्बियस बैट्स वाले टैंक में जाता है, वहां सारे बैट्स उसे अपना लीडर मानते हैं। बाद में पता चलता है कि आर्टिफिशियल ब्लड से मॉर्बियस सिर्फ 6 घंटों के लिए ठीक रह सकता है। मॉर्बियस फिर से वैम्पायर बनने वाला था, पर उसी वक्त माइलो आ जाता है और मॉर्बियस को आर्टिफिशियल ब्लड देकर नॉर्मल होने में मदद करता है। माइलो देखता है कि मॉर्बियस अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो चाहता है कि मॉर्बियस उसकी बॉडी में भी सीरम इंजेक्ट कर दे, लेकिन मॉर्बियस मना कर देता है क्योंकि ये सीरम अभी ठीक से काम नहीं कर रहा और इंसान को वैम्पायर में बदल देता है और बेकाबू बना देता है। जब माइलो जिद करता है तो मॉर्बियस उसे लैब से निकाल देता है। FBI एजेंट मार्टिन से शिप वाले इंसिडेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देती है। उसी शाम एक वैम्पायर नर्स पर हमला करता है। मॉर्बियस को बाद में पता चलता है कि एक नर्स को मार दिया गया है, जिससे उसको पता चलता है कि ये काम उसने नहीं किया। जैसे ही वो जाने लगता है, FBI एजेंट आ जाते हैं और उससे शिप के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं। FBI एजेंट उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉर्बियस लड़ता है और उन पर हमला कर देता है और हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन FBI एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में ले जाते हैं। स्ट्राउड और रॉड्रिक्स उससे पूछताछ करते हैं और उस पर नर्स को मारने का आरोप लगाते हैं। मॉर्बियस धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगता है। वो एजेंटों से आर्टिफिशियल ब्लड लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वे उनको आर्टिफिशियल ब्लड दिए बिना ही चले जाते हैं। जल्द ही माइलो उससे मिलने आता है, जो उसको जाने से पहले आर्टिफिशियल ब्लड का पैक देता है। जाते समय माइलो अपनी छड़ी को अपने साथ ले जाना भूल जाता है और मॉर्बियस को पता चलता है कि माइलो ने ही सीरम चुरा के खुद पर यूज किया है, जिसका मतलब यह है कि वो वही है जिसने नर्स को मारा था। मॉर्बियस वैम्पायर में बदलकर जेल से भाग निकलता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त माइलो का पीछा करने की कोशिश करता है। इसी बीच माइलो भी एक वैम्पायर बन जाता है और एक आदमी को मार देता है। मॉर्बियस माइलो का सामना करता है और उसे कहता है कि ये शक्ति खतरनाक है, लेकिन माइलो रुकने से इनकार कर देता है और वो मॉर्बियस पर हमला कर देता है। दोनों एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस वाले माइलो को गिरफ्तार करने लगते हैं, लेकिन माइलो उन सभी को आसानी से कुछ सेकंड्स में ही मार डालता है। माइलो कहता है कि वो मॉर्बियस से लड़ना चाहता है, लेकिन मॉर्बियस मेट्रो की सुरंग से होकर भाग जाता है। FBI एजेंट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि ये काम मॉर्बियस ने ही किया होगा। दूसरी तरफ मार्टिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। सुबह मॉर्बियस उससे मिलने एक बस में आता है, जहां वो उसे अपनी और माइलो की पूरी कहानी बताता है। मॉर्बियस उसकी मदद मांगता है क्योंकि आर्टिफिशियल ब्लड अब उसके अंदर के वैम्पायर को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो कैफे से 2 गुंडों का पीछा करता है, जहां मॉर्बियस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपनी लैब दे दे, लेकिन उनमें से एक आदमी उसे छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्बियस बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरा गुंडा डर जाता है और मॉर्बियस से बिना लड़े ही भाग जाता है। मॉर्बियस ऐसा सीरम डेवलप करना चाहता है जिससे वो पहले जैसा हो जाए और अपने अंदर के वैम्पायर को मार सके। दूसरी ओर माइलो एक नाइट क्लब में जाता है, जहां वो एक सुंदर लड़की से फ्लर्ट करता है, लेकिन एक लड़का उसे लड़की से फ्लर्ट करने से रोकता है। उस समय तो माइलो अपने अंदर के वैम्पायर को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि क्लब में भीड़ है। उसी शाम माइलो उस लड़के और उसके दोस्तों का पीछा करता है और उनको मार देता है। उसी समय FBI एजेंट और पुलिस वाले मार्टिन के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। पता चलता है कि मार्टिन मॉर्बियस की नई लैब में उनके साथ काम कर रही है, जहां वो दोनों किस करते हैं और माइलो उन्हें दूर से देख रहा होता है। अगले दिन FBI एजेंट क्लब में जाते हैं और उनको CCTV फुटेज में दिख जाता है कि माइलो ही ये सब कर रहा है, ना कि मॉर्बियस। डॉक्टर निकोलस न्यूज पर ये सब देख लेते हैं और माइलो से बात करते हैं, लेकिन माइलो अपनी शक्ति से निकोलस को डराता है और कहता है कि डॉक्टर निकोलस ने हमेशा मॉर्बियस को उसका फेवरेट बच्चा माना है बजाय माइलो के। माइलो डॉक्टर पर हमला करता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मॉर्बियस अंततः एक एंटीबॉडी डेवलप करने में कामयाब हो जाता है, जो कि उसके अंदर एक वैम्पायर को मार सकती है। वो अपने और माइलो के शरीर में इसको इंजेक्ट करने का प्लान बनाता है। कुछ देर बाद मॉर्बियस को निकोलस का फोन आता है और वो उसको बचाने के लिए जाता है,
लेकिन बचा नहीं पाता और निकोलस मर जाता है। दूसरी तरफ माइलो लैब में घुस जाता है और मार्टिन को किडनैप कर लेता है। मॉर्बियस अपनी पावर का यूज करता है और मार्टिन का पता लगाने में कामयाब हो जाता है, पर वहां पहुंचकर देखता है कि माइलो ने मार्टिन को भी घायल कर दिया है। मार्टिन कहती है कि माइलो ह्यूमन ब्लड पीकर ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसलिए मार्टिन मॉर्बियस को अपना खून चूसने को कहती है ताकि वो माइलो से लड़ सके। लेकिन मॉर्बियस के ब्लड की एक छोटी सी बूंद मार्टिन के मुंह में गिर जाती है। गुस्से में मॉर्बियस अपने सबसे अच्छे दोस्त पर हमला कर देता है। फिर दोनों वैम्पायर में बदल जाते हैं और दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, जहां मॉर्बियस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके चमगादड़ों को बुलाता है जो चारों ओर से माइलो को घेर लेते हैं। मॉर्बियस मौके का फायदा उठाकर माइलो के शरीर में एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देता है। माइलो तुरंत अपनी ताकत खो देता है और मर जाता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, मॉर्बियस चमगादड़ों की भीड़ में उड़ जाता है, जबकि मार्टिन को एक वैम्पायर के रूप में दिखाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन फिल्म में एड्रियन टूम्स मल्टीवर्स का दरवाजा खुलने से इस यूनिवर्स में आ गया है और मॉर्बियस से मिलता है, और एड्रियन मॉर्बियस के साथ अच्छे काम करने के लिए एक टीम बनाने की पेशकश करता है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, और चैनल को देखने में मदद करने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।